गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ मैथ। टिक टिक टिक, आपके दो टॉपिक्स मैंने पहले कवर कर दिए। आज आपका तीसरा टॉपिक है कॉपी एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस। कॉपी कीजिए और सेंटेंस को कहें। दिस क्लॉक शोज 10 मिनट्स टू 4। ये जो घड़ी है ये दिखा रही है हमें 10 मिनट्स टू 4। 10 मिनट है 4 बजने को। 10 मिनट्स टू 4 का मतलब हुआ कि 10 मिनट्स टू 4 बजने। ये किस तरह कोज बे हुए? दिस इज सेम एज, हम इसको और कैसे बोल सकते हैं, -minutes past 3। पास्ट क्या होता है? ऊपर। 10 मिनट्स, कितने मिनट्स हो गए? डैश, यहाँ पे ऐसा डैश, कितने मिनट्स हुए, कितने मिनट्स है पास्ट 3। और हम 3 को पास्ट होता है ऊपर, 3 ऊपर, क्या और कैसे बोल सकते हैं? एक तो हम इसको बोलेंगे 10 मिनट कम 4, और इसको हम कैसे बोल सकते हैं? ये कहाँ पे है 10, और हर एक गैप कितनी, मैंने आपको बोला 5 5, 10 5 50, कितना हो गए 50 मिनट्स है। 50 मिनट्स पास्ट 3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तो 10 मिनट कम 4 बजने वाले हैं, और ये भी बोल सकते हैं 3 50, 50 मिनट ऊपर 3 हो गए। ये हम ऐसे भी ये क्वेश्चन कर सकते। और इसका दूसरा एक पार्ट में सिखाऊंगी आपको। दिस क्लॉक शोज 7:45, ये दिखा कह रहे क्वार्टर टू, क्या मतलब हुआ 8। क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर होता है 15 मिनट। क्या क्वार्टर क्या होता है? 15 मिनट। ये घड़ी हमें क्या दिखा रही है? 15 मिनट कम 8 बज गए। 15 मिनट कम 8 बजने में अभी कितने मिनट कम है? 15 मिनट। ये हमें ये देख, इसको हम और कैसे लिख सकते, कैसे लिख सकते हैं? वही जैसे मैंने आपको इधर दिखाया, कहाँ पे है ये 9 9 5 45 45 मिनट्स पास्ट 7। ये आप ऐसे कर सकते हो। इसी में और अलग टॉपिक्स, अलग अलग क्वेश्चन इसी हिसाब से, वो आप घर में कीजिएगा, ट्राई कीजिए कि कैसे हमें ये क्वेश्चन करने। जहां पे समझ में भी नहीं आया आप मुझे फोन करके वो बता सकते। क्वार्टर पास्ट और क्वार्टर टू जो ये क्वेश्चन में आपको आएंगे, क्वार्टर पास्ट हो तो क्या होता है और क्वार्टर टू क्या होता है? क्वार्टर पास्ट होता है 15 मिनट्स ऊपर। क्वार्टर पास्ट क्या होता है? 15 मिनट। जैसे आप हम बोलते हैं 8:15 या 7:15, 7:15 या 8:15, 9:15, उसको बोलते हैं क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर मीन दिस 15 मिनट्स। क्वार्टर क्या होता है? 15। जब हम क्वार्टर पास्ट बोलेंगे तब हो ऊपर, ये कि 9:15 हुए, 9 ऊपर। और क्वार्टर टू का मतलब है 15 मिनट, 15 मिनट कम है। जैसे कि 7:45 हुए अभी, या 8:45, 15 मिनट है अभी 8 बजने में, 15 मिनट है 9 बजने में, तो हो गया क्वार्टर टू। और क्वार्टर पास्ट क्या हो गया? 15 मिनट ऊपर, या 8:15 जिसको बोलते हैं, 9:15, 10, वो 15 मिनट ऊपर। और क्वार्टर टू क्या हो गया? कम, 15 मिनट कम। जब मैथ में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, क्वार्टर मीन्स क्या होता है? 15 मिनट्स। क्वार्टर होता है हाफ, फोर्थ, 1/4 उसको बोलते हैं। क्वार्टर होता है 1/4 क्वार्टर। इसी के हिसाब से 1/4 क्वार्टर 15 मिनट्स हो गए। ये इसमें मैथ में क्वार्टर का मतलब क्या है? 15 मिनट। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन करेंगे, आप घर में ट्राई करेंगे, आप ये सब क्वेश्चन कर लेगी। और ऐसे अब अलग अलग क्वेश्चन है इसका जो सेकंड पार्ट जो है इसका क्वेश्चन का, जिसमें बनाया हुआ घड़ी बनाई हुई है, जिसमें अलग अलग टाइमिंग्स दिए हुए हैं, आपको सब करने हैं घर में। कैसे क्वेश्चन आप क्वेश्चन करोगे? जैसे कि ये ऐसे घड़ी बनाई हुई है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 9 है। यहाँ पे पहली वाली घड़ी क्या दिखाई? 4:20। यहाँ पे 4 बनाएंगे हम, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। 10 और 11। अब क्या दिखाना है हमें? टाइम क्या दिखाया है? 4:20 बनाया है हम घड़ी को, 4:20 हमें टाइम उसको शो करना है। 4 और 20, क्या पहले क्या घड़ी कहाँ पे आएगी? 4 और 5 के बीच में, 4 बीच में भी नहीं, 4 के साथ में ही आएगी, मोटी वाली सुई ओवर्स वाली दिखाएंगे हम ऐसे। और 20 कितने आए? 5 10 15 और 20, और 4 के ऊपर आएगी, 4 के साथ में ही आएगी मिनट वाली सुई भी, ऐसे बनेगा 4:20। ऐसे अलग अलग टाइमिंग्स दिए होंगे, उसके हिसाब से आपको वो घड़िया ड्रा करनी है। ये सब प्रैक्टिस आप घर में करोगे, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे आप प्रैक्टिस करोगे, 4 को आपको मैंने सिखाया, 4 कहाँ पे ओवर्स वाली देखा, जो 4 है या कोई भी टाइमिंग हो वो ओवर्स वाली उसके सीट में रखनी है, कितना होगा वो उसके हिसाब से आपको करने। ओके, थैंक यू।